मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सन, प्लैनेट इनके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमारा सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में जाना था। और लास्ट में जब हम चैप्टर लेक्चर को कंक्लूड कर रहे थे, तब हमने तीन प्लैनेट्स के बारे में जाना, जिनमें हमने इनके डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन और क्या टेम्परेचर रहता है, उनकी खासियत क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने केवल तीन प्लैनेट्स के बारे में जाना था, मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। आज हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में, जो कि हमारा नेबरिंग प्लैनेट है। ओके, इसको 200 इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 228 मिलियन किलोमीटर्स। अगर हम देखें कि इसको कितना समय लगता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो 687 डेज लग जाते हैं। नंबर ऑफ मून्स इसके पास दो हैं। अब इसको जो निकनेम है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो सॉइल का जो कलर है वो रेड कलर है, रेडिएशन सॉइल है। और उसकी खासियत ये है कि वहाँ के जो रॉक्स हैं उनमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, और आयरन ऑक्साइड जो होता है रेड इन कलर होता है। इस वजह से ये जो प्लैनेट है वो रेड इन कलर है और इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब इनके अगर लैंडस्केप के बारे में बात करें, यानी कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, तो वहाँ पे है कि रॉकी जो ज़मीन है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में रॉकी लैंडस्केप है। क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स बच्चों, ये होता है कि जब कोई एस्टेरॉइड्स किसी जगह प्लैनेट पे हिट करता है, तो उस एस्टेरॉइड को हिट करने के ऊपर जो वहाँ पे नो गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी को हम क्रेटर्स कहते हैं। ओके, तो वो क्रेटर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, वॉल्केनोस प्रेजेंट है यानी ज्वालामुखी है, रिवर बेड्स पाए गए वहाँ पे। मतलब कि हो सकता है कि पुराने समय में बहुत पहले वहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है, पर लेकिन अब वो सूख गई हैं। ओके, डेजर्ट हैं, आइस भी पाई गई हैं वहाँ पे मार्स में, तो उस पर और रिसर्च चलती जा रही है। ओके, आज के मॉडर्न डे में भी। अब वहाँ के हम टेम्परेचर बात करें, तो एटमॉस्फेयर जो है थीन है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है -60 डिग्री सेल्सियस में है। वहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ओके, अब बच्चों बात आती है नेक्स्ट प्लैनेट की, जो कि है जुपिटर। ओके, जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। इसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 12 साल लग जाते हैं। ओके, अगर नंबर ऑफ मून की बात करें, यानी कि इसके पास जो मून से वो 53 हैं। ओके, अब इसका अपीरेंस कैसा है, येलोइश इन कलर है। रीज़न ये है कि वहाँ पे गैसेस अवेलेबल हैं और वहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ गैस से बना हुआ है जुपिटर। ओके, बहुत जायंट प्लैनेट है। ओके, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो। और लार्जेस्ट प्लैनेट है, जहाँ पे जिसका कंपोजिशन जो है, जो जिस गैस से ये बना हुआ है प्लैनेट, ये है हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। द नेक्स्ट कम इज़ द सैटर्न। ओके, सैटर्न ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, इसके डिस्टेंस जो है सन से वो है 1427 मिलियन किलोमीटर। इसको अपना एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 29 ईयर्स लग जाते हैं। नंबर ऑफ मून से 53, येलोइश इन कलर है विद ग्रीन पोलर एरिया जो पोल हैं। ओके, मैं आपको इमेज की तरफ समझा देता हूँ। पोल्स यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको पोल्स कहते हैं हम लोग। ओके, तो पोलर जो रीजन है वहाँ पर ये ग्रीनिश इन कलर है। एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे -178 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ठंडा है, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, कोल्ड प्लैनेट है। ओके, एज़ कम्पेयर टू हम अगर देखें मर्क्यूरी ने, जो कि हॉटर प्लैनेट थे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, देन कम्स द यूरेनस। ओके, सैटर्न की खासियत है कि इसके आसपास भी एक रिंग बनी हुई है। ओके, यूरेनस भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास आपको दिख रही है रिंग बनी हुई है। ओके, अब इसके अगर हम डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 2869 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। 84 ईयर्स लग जाते हैं उसको अपना एक कम्प्लीट रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में। नंबर ऑफ मून्स इसके जो है 27 है। ओके, साइज जो इसकी है वो एज़ नियरली एज नेपच्यून की जो साइज है उसके बराबर है। कलर जो है ब्लूइश इन कलर है। रीज़न है वहाँ पे जो मीथेन प्रेजेंट है, मीथेन के प्रेजेंस की वजह से वो जो प्लैनेट है वो ब्लू इन कलर हमें दिखता है। ओके,
मीथेन जो होती है वो ब्लू इन कलर रहती है। बहुत ही कोल्ड एवरेज, वेरी कोल्ड टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। जो एवरेज टेम्परेचर यानी कि जो आम तौर पे जहाँ टेम्परेचर रहता है वो -210 डिग्री सेल्सियस है, और वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट में जो हमारा प्लेनेट है वो है नेपच्यून। इसको 4,496 मिलियन किलोमीटर्स ये दूर है, 165 ईयर्स इसको लगते हैं अपना एक कम्प्लीट रिवॉल्व होने में। नंबर ऑफ मून्स इसके 13 हैं, अगेन दिस ब्लूइश इन कलर। ओके, रीज़न वही है मीथेन की प्रेजेंस की वजह से। ओके, नोन फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन द सोलर सिस्टम विच रेस्ट अप टू 1500 किलोमीटर पर आवर। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज़ हवा जो जहाँ फ्लो होती है वो नेपच्यून है, वहाँ पे किस स्पीड से 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे विंड्स ब्लो होती हैं। इसके बट एवरेज टेम्परेचर जो है वहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। सो ये तो हमारे अभी डिस्क्रिप्शन हो गए हमारे प्लैनेट्स के। ओके, जितने हमारे 8 सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने कुछ स्पेशल जो स्पेशलिटी है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए वो हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में सिवाय अर्थ के जहाँ पे लाइफ के पॉसिबल हो। ओके, जितने भी प्लैनेट है वहाँ की कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल एग्जिस्ट करती हो, केवल अर्थ एक लौता प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ओके, अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज नियरली 2/3 ऑफ इट्स सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अगर हम स्पेस इसको देखा जाता है तो पूरा ब्लूइश इन कलर है, और इसका कारण भी यही है कि 2/3 ऑफ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 66-70% ऑफ एरिया जो अर्थ का है वो पानी से कवर्ड है। ओके, इसके अलावा एलिमेंट्स लाइक वाटर, एयर, हीट एंड लाइट विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। इसके साथ साथ जीवन जीने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल वाटर, एयर, हीट, लाइट, ये जितने भी एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट द सन है। ओके, तीसरे नंबर पे आता है सन से, तीसरे नंबर पे है। ओके, ना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कूल। इस वजह से ये फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये प्लैनेट जो है फिट है फॉर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव एंड ग्रो, और इसी वजह से ये प्लैनेट एक बहुत ही आइडियल प्लैनेट माना जाता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं और अपनी ग्रोथ उनकी हो सकती है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके पोल्स एरिया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पोल्स एरिया जो है वहाँ से वो फ्लैट है, वहाँ पे वो राउंड नहीं है, फ्लैट है। और इक्वेटर में बल्ज होता है ना, इक्वेटर में ये और ये ब्रॉड हो जाता है। ओके, सच ए शेप इज कॉल्ड एज जियोइड, और इस टाइप कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, इस वजह से इस शेप का नाम दिया जियोइड। जियोइड का मतलब ये होता है कि ऐसा शेप जो कि अर्थ की तरह दिखे। ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सैटेलाइट। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक हमने सन के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया, स्टार्स के बारे में पढ़ लिया, और कुछ अदर हेवनली बॉडीज भी हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास अपनी खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड आसपास चक्कर लगाती है। जब भी कोई प्लैनेट के आसपास कोई हेवनली बॉडीज चक्कर लगाती हैं ना, रिवॉल्व होती हैं, ओके, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। ओके, अब सैटेलाइट जो है दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो कि नेचुरली अवेलेबल है अर्थ की, तो वो एक लौती है जो कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हम ह्यूमन बींग्स भेजते हैं ताकि हम उस पर रिसर्च कर सके। ओके, हम स्पेस में भेजते हैं ताकि हमें वेरियस इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो इसी चीज़ को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में काउंट करते हैं। अब जस्ट एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन इट्स ओन फिक्स्ड ऑर्बिट। जैसे ही अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व हो रहा है अपनी फिक्स एक पोजिशन में, फिक्स ऑर्बिट में, ठीक वैसे ही मून भी है जो कि अर्थ के आसपास जैसे रिवॉल्व हो रहा है उनकी फिक्स एक एक्सिस पर।
इसी विषय से ये अर्थ की सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट की डेफिनेशन अगर हम देखें, सैटेलाइट्स आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। सैटेलाइट उसको कहा जाता है ऐसी हेवनली बॉडीज जिनका कि शेप उस प्लैनेट से छोटा हो और उसके आसपास वो फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रही हो, इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड से, जिस लैटिन वर्ड में सैटल्स कहा जाता है जिसका मीनिंग होता है अटेंडेंट। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट ऑफ देयर ओन। अब जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, वो शाइन करते हैं या तो वो जो सन से जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी मदद से वो शाइन करते हैं अब कुछ होती हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, उसकी इमेज आप देख सकते हैं, आपकी बुक नहीं है अब यहाँ पे देखिए दो इमेज है, पहली इमेज आपकी नेचुरल सैटेलाइट की जो कि मून की है और दूसरी जो इमेज है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जो कि हमने ह्यूमन बीइंग ने एक मशीन बनाई है जो कि अर्थ के आसपास रिवॉल्व होती है और उसी मशीन को हम सैटेलाइट कहते हैं। नाउ मशीन्स, ऐसी मशीन जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होती है उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट। एक छोटी सेलेशियल बॉडीज, एक स्मॉलर सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। कोई ऐसी छोटी सेलेशियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व होती जाए एक फिक्स पाथ पे, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है हमारी एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है, एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है मून जो कि अर्थ के आसपास रिवॉल्व होती हैं इसकी जो डायमीटर है वो अगर हम बात करें तो अर्थ का जो चौथा हिस्सा जो होगा उसके बराबर है, यानी कि इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के डायमीटर को अगर हम ले तो उसका अगर हम चौथा हिस्सा करेंगे तो उसके बराबर इसका डाया है अब ये कितना दूर है अर्थ से, इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। इट अपीयर्स वेरी बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेशियल बॉडीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि मून तो बहुत छोटा है पर लेकिन ये बड़ा क्यों दिखता है, कारण ये है कि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलेशियल बॉडीज। We can now compare the size of the sun and the moon and also estimate how far the two are from earth. अब हम estimate कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर हम compare करना चाहें, अगर हम compare करें कि जो moon है वो तो sun के से बड़ा दिखता है या फिर उसके बराबर दिखता है, तो सन जो है बहुत ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू मून, और शायद यही कारण है, इसी वजह से हमें मून जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू सन हमें बड़ा दिखता है एज़ कम्पेयर टू द सन। द शेप ऑफ द मून नोटिसिबली चेंजेस एवरी नाइट। अब आपने कभी देखा हो अपने स्काई में तो आप देखते हो कि हर रात मून का जो शेप है वो बदलता है, कुछ एट सम नाइट इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, कुछ रातों में तो हमें कम्प्लीटली विजिबल दिखता है और फुल शेप में दिखता है, और वाइल कि कुछ रातों में हमें पार्शली विजिबल दिखता है, आधा दिखता है और कुछ ऐसी रातें भी थी जब हम वो कब हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि मून जो है कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द शेप ऑफ द मून नोटिसबली चेंजेस एवरी नाइट। हम सब जानते हैं कि जो मून है वो उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। अब इसका कारण जानिए क्यों, द मून इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखिए अर्थ मूव हो रहा है, उसके साथ साथ हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा कि ऐसे सेलेशियल बॉडी जो कि अर्थ के आसपास मूव हो रिवॉल्व हो तो वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, और एंड देर आर टू मोमेंट्स दैट डिफाइन इट्स मोशन। वन मोमेंट इट्स अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस विच इज लाइक स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, द सेकेंड मोमेंट इज अराउंड द अर्थ अलॉन्ग ए फिक्स ऑर्बिट। इट टेक्स 27 डेज टू कम्प्लीट बोथ मोमेंट्स। अगर हम मून की बात करें जैसे लाइक एक हमारा होता है रोटेशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे घूमे, आपने बॉब देखा होगा, बॉब आप बचपन में आप सभी ने खेला होगा, तो अपनी एक्सिस पे वो मूव करता रहता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और जब सन के अराउंड जब कोई मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के आसपास मूव करता है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो ये दोनों ही काम करने में मून को 27 डे लगते हैं, यानी कि रोटेट होने में 27 डेज एज वेल एज मूवमेंट होने में भी, अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 27 डेज लगते हैं। अब इसके दोनों ड्वेल मूवमेंट्स होने की वजह से क्या होता है,
कि सम नाइट्स में हमें उसका केवल एक ही साइड विजिबल हो पाता है, और इसी वजह से हमें उसके हर रातों में सिंस का कांस्टेंट मूवमेंट अपने एक्सिस पर भी और मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, उस दोनों मूवमेंट की वजह से हमें कुछ रातों में वो पूरा विजिबल होता है, कुछ रातों में वो हमें उसके अलग अलग शेप्स विजिबल हो पाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको कौन बनाता है? साइंटिस्ट बनाते हैं, इसको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं। रीज़न क्या है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है स्पेस से रिलेटेड, या जो रेडियो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मिल पा रही है, हमें इन सैटेलाइट की वजह से ही मिल पा रही है ना। रिसर्च प्रोग्राम्स हमें है ना वेदर के बारे में पहले से अपडेट मिल जाती है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, आने वाले दिनों में तूफान आ सकता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले से अर्थ के आसपास रिवॉल्व होते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डेली बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट को भेजते हैं, और उसी से हमें है ना हम आगे जो हमारे साइंटिस्ट है वो आगे से भविष्यवाणी कर पाते हैं कि आने वाले दिनों में साइक्लोन हो सकता है, या बारिश आ सकती है, या गर्मी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं। अब इनको स्पेस तक कैसे ले जाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स और स्पेस शटल्स जो कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स जो हैं स्पेस में हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं। इंडिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो थी आर्यभट्ट इन द ईयर 1975। ओके, इसके बाद भी कंट्री ने अदर बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, चाहे वो इनसेट हो, IRS है, EDUSAT हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया ने लॉन्च की है। आज की तारीख में करंटली ऐसे 3000 सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है और हमें वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ओके, आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे तो इसके अलावा जो और अदर सेलेशियल बॉडीज़ है लाइक एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटियोर्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे।